जय श्री कृष्णा। तो बच्चों, आज मैं आपको एक नया ही चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं और इस चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास, और इसी के आगे कोलिजन भी आता है। कोलिजन भी इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर का नाम सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन है। सेंटर ऑफ मास, जैसे ही वर्ड मैं लेता हूं, जैसे ही नाम लेता हूं सेंटर ऑफ मास, वैसे ही आपके दिमाग में भांति भांति के चित्र आने लगते हैं, क्योंकि आपने बचपन में कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास पढ़ा होगा, या डिस्कवरी चैनल में आपने सेंटर ऑफ मास वर्ड सुना होगा, या किसी साइंस फिक्शन में सुना होगा। तो सेंटर ऑफ मास शब्द जो है, हिंदी में इसका नाम है द्रव्यमान केंद्र, जहां मास का सेंटर होता है उसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो चूंकि नाम इसका इस तरह से है ना, सेंटर ऑफ मास, तो इसको लेकर तरह तरह की गलतफहमियां बच्चों के दिमाग में आ जाती है, अपने आप ही आ जाती है। ऐसा नाम है, कुछ लोग ऐसा मानने लगते हैं कि जहां सारा मास सेंटर्ड है उसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं, कुछ लोग ऐसा मान ले लेते हैं जहां सारा फोर्स लग रहा है उसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। लेकिन ये बहुत ही अधूरी पिक्चर है सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास जो है, अगर जैसे मान लो कि मैं बोलूं, आपके दिमाग में सबसे पहले ही आता है कि भाई जहां सारा मास मेरा है, तो जैसे मैं अपने आप को देखूं तो मेरा पूरा का पूरा मास मेरी नाभि पर होगा, मतलब मेरा सेंटर ऑफ मास जो होता है वो मेरी नाभि पर होता है। तो इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि मेरा सारा मास, मेरी बॉडी का सारा मास जो है वो यहाँ पे है, ये सब मास ले जाए कागज का बना हुआ, इसमें कोई मास ही नहीं। मैं ऐसे इस पर जोरदार ऐसे मारूं तो कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, क्योंकि मास ही नहीं तो फोर्स कहां से लगेगा। मेरा सारा मास नाभि पर थोड़ी कंसेंट्रेटेड है, या कोई मेरे गाल पे तमाचा लगाता है, ठीक है, तो मेरी नाभि पे थोड़ी फोर्स लगेगा, गाल पे ही फोर्स लगेगा ना यार, सर पे मारता है तो सर पे लगेगा। तो ये सोचना कि सेंटर ऑफ मास का मतलब हो गया कि सारा का सारा मास एक जगह पे कंसेंट्रेटेड है, या ये मान लेना कि सारा का सारा फोर्स उसी जगह पे लग रहा है, ये मिसकंसेप्शन है सेंटर ऑफ मास से जुड़ा हुआ। कुछ मिलता जुलता है, क्या है ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। लेकिन सेंटर ऑफ मास वो नहीं है जो आपने सेवेंथ क्लास में, एट्थ क्लास में, नाइन्थ क्लास में दिमाग में परसेप्शन बना लिया था कि नहीं भाई सारा का सारा मास बॉडी का, सारा पहाड़ एक है बहुत बड़ा सा, उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे, पहाड़ के नीचे कोई मास ही नहीं। तो ये बात जो है इलॉजिकल हो जाती है। तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली वो पॉइंट नहीं जहां पे सारा का सारा मास कंसेंट्रेटेड होता है। हम मानते हैं, कुछ खास सर्कमस्टेंसेस में मान लेते हैं, कभी नहीं भी मानते हैं। तो कैसे होता है, क्यों सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट आया, उस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मैं आपको हर चीज जो है मैकेनिक्स के अंदर जो है वो न्यूटन लॉ से ही जुड़ी हुई है। न्यूटन का लॉ अप्लाई करने के लिए जो जुगत लगानी पड़ती है, जो तरकीब लगानी पड़ती है, सब लगाई हम लोगों ने, क्योंकि न्यूटन के लॉ पे ही पूरा, जैसे कहते हैं कि आपके जितने कल कारखाने, फैक्ट्रियां और घर जो बनते हैं और जो बीम बनती है और जो कुछ है, वो सब न्यूटन के लॉ पर बेस्ड है। पूरा का पूरा जो आपका इंजीनियरिंग है ये न्यूटन लॉ के ऊपर बेस्ड है, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है उसमें जो बेसिक है वो न्यूटन का लॉ है। तो हर चीज, कोई भी कंसेप्ट है तो वो न्यूटन के लॉ से जुड़ा हुआ है। तो अब जैसे सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट आया कहां से, ठीक है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, जैसे सपोज कर लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, जमीन पे रखा गया है, इसके ऊपर हमने फोर्स एफ हमने फोर्स लगाया। तो अब जब ये ऑब्जेक्ट जा रहा है तो इस पे हर पॉइंट का जो एक्सेलेरेशन होगा वो सेम ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि ये जा रहा है तो इसका एक्सेलेरेशन ऊपर वाले का ज्यादा होगा, नीचे वाले का कम होगा, हर पॉइंट का एक्सेलेरेशन सेम होगा। तो इसके लिए हम न्यूटन का लॉ बड़ी मर्जी से, बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, एफ बाई एम। या हमें कोई सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इन सब की कोई जरूरत ना पड़ने वाली है, यहां पर हम एक ही वैल्यू एफ बाई एम लिख देते हैं और सेंटर ऑफ मास जो है इसकी कोई जरूरत हमें नहीं, क्योंकि हर पॉइंट का एक्सेलेरेशन सेम था। अब दूसरा केस देखिए, सपोज करिए एक रॉड है जमीन पे रखी है और हम इस रॉड के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ये रॉड जमीन पे रखी थी, हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे सपोज करिए कि ये पानी की बोतल है, ऐसे रखी हुई है, ठीक है, हमने इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगाया, फोर्स जैसे लगाया तो ये गिरना चालू कर देगी, ऐसे गिरेगी। तो अब गिरेगी तो हर पॉइंट का जो एक्सेलेरेशन होगा वो अलग अलग होगा। अगर ये रॉड गिरना चालू कर देती है तो हर पॉइंट का एक्सेलेरेशन, जैसे मान ले फोर्स आपने यहां पे लगाया, कहीं पे भी फोर्स आपने लगाया, तो अब ये रॉड ऐसे गिरना चालू करेगी तो अब होगा क्या कि इसका एक्सेलेरेशन ज्यादा होगा, इसका एक्सेलेरेशन कम होगा, इसका और कम होगा, इसका और कम होगा, और सफिशियंट फ्रिक्शन है तो इसका एक्सेलेरेशन जीरो ही होगा। तो अब अगर इस रॉड के लिए मैं न्यूटन का लॉ लगाना चाहूं तो एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। मैं क्या करूंगा, फोर्स तो मान लिया इसके ऊपर एफ लगा, मास भी हमें इसका पता है, एक्सेलेरेशन क्या लिखूंगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, सबका एक्सेलेरेशन अलग अलग है। तो अब एक्सेलेरेशन इसका क्या होगा, वो तो सबका अलग अलग है, तो हम एफ बराबर एम ए वन लिखें कि एफ बराबर एम ए टू लिखें कि एफ बराबर एम ए थ्री लिखें कि पता नहीं क्या लिखें, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखें। तो अब जो समझदार लोग थे उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा चलो एक नई चीज निकालते हैं।
इन लोगों ने ये कहा कि इस बॉडी के भीतर या बाहर एक कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिसका एक्सेलरेशन एफ बाई एम के बराबर होगा। भाई एफ बराबर एम ए, तो जो ए आएगा, जो भी यहां से सॉल्व करने पे ए आएगा, उसी उसको हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कह देंगे। यानी कि आप किसी बॉडी के ऊपर एफ फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी के भीतर या बाहर कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिसका एक्सेलरेशन एफ बाई एम, माने नेट फोर्स है, एक लगा रहे हो, दस लगाते तो दस का जोड़ होता, तो जिसका एक्सेलरेशन एफ बाई एम के बराबर होगा, और उसी पॉइंट को इन लोगों ने सेंटर ऑफ मास का नाम दे दिया। बॉडी के भीतर या बाहर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जिसका एक्सेलरेशन, बॉडी के भीतर या बाहर एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जिसका एक्सेलरेशन एफ बाई एम के बराबर होगा, और उसी पॉइंट को सेंटर ऑफ मास नाम दे दिया इन्होंने। ऐसा नहीं कि सारा मास वहां कंसेंट्रेटेड है, ऐसा नहीं कि सारा फोर्स वहां लगा रहे, उस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो है वो टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास से दिया जाएगा। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट ये है, देखो जो बॉडी प्योर ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है, सिर्फ आगे ही आगे जा रही है, घूम नहीं रही, उसके लिए सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट कोई यूज में नहीं आता है, उसके लिए हर पॉइंट का एक्सेलेरेशन सेम है, तो ए बराबर सीधे एफ बाई एफ लिख दिया। तो जो बॉडीज ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है उनके लिए सेंटर ऑफ मास का ना कोई मतलब है ना कोई यूज है, जो बॉडीज रोटेट भी कर रही, ट्रांसलेट आगे बढ़ने के साथ साथ घूम भी रही है, उनके लिए प्रॉब्लम यह आ रही थी कि हर पॉइंट का एक्सेलेरेशन अलग अलग आ रहा था। तो समझदार लोगों ने कहा, जो भी समझदार लोग थे, जिन लोगों ने फिजिक्स डेवलप की है, उन्होंने कहा भाई ऐसा करो कि बॉडी के भीतर या एक बाहर एक ऐसा पॉइंट ढूंढ के निकाल लो जिसका एक्सेलेरेशन सिग्मा एफ बाई एम के बराबर हो, तो उस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास दे दिया। अब हम फोर्स का भी जरूरत पड़ने पे यूज कर सकते हैं, मास का भी यूज कर सकते हैं, तो उसी पॉइंट को सेंटर ऑफ मास का नाम इन लोगों ने दिया है। तो सेंटर ऑफ मास का जो कंसेप्ट है वो वही था, फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं आपको, इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए कि अगर सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, सिर्फ बॉडी आगे ही आगे बढ़ रही है, तो सेंटर ऑफ मास का कोई यूज नहीं। अगर बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है, रोटेट भी कर रही है, तो उस कंडीशन में एफ बराबर एम लिखना पॉसिबल नहीं था। तो समझदार लोगों ने क्या किया कि बॉडी के भीतर या बाहर एक ऐसा पॉइंट ढूंढ के निकाला जिसका एक्सेलेरेशन एफ बाई एम के बराबर था, और उस पॉइंट को उन लोगों ने नाम दे दिया सेंटर ऑफ मास। ना तो सारा मास वहां पे कंसेंट्रेट होता है, ना सारा फोर्स वहां पे लगता है, बस उसका एक्सेलेरेशन टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास से दिया जाता है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में लिखता हूं, इट इज ए पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड, इट इज ए पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड ए बॉडी such that its acceleration is given by, it is a point inside or outside a body such that its acceleration is given by ACM is equal to sigma F external upon M। ये बॉडी के भीतर या बाहर का एक ऐसा पॉइंट है जिसका एक्सेलेरेशन इस इक्वेशन से दिया जाता है, या हम ऐसा कह सकते हैं सिग्मा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एमएसीएम, जो भी नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो एमएसीएम के बराबर होगा। ये बॉडी के भीतर या बाहर का एक ऐसा पॉइंट है जिसका एक्सेलेरेशन टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास से दिया जाएगा। बॉडी के भीतर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मेरा सेंटर ऑफ मास अभी फिलहाल ऐसे है, मैं अगर ऐसे कर लूं, इस तरह से कर लूंगा, तो जो मेरा सेंटर ऑफ मास होगा हवा में आ जाएगा, थोड़ी बॉडी इधर है थोड़ी इधर है, तो मेरा सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर निकल जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास बॉडी के भीतर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, एज पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। पहचान उसकी यही है कि सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलेरेशन है वो इससे दिया जाएगा। ठीक है, आया कहां से ये? ये किस जगह से आया? अगर हम इसके थोड़ा सा डेरिवेशन वाले पार्ट पर जाएं तो पीछे से हम इस बात को सोच सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि पहला वाला जो पार्टिकल था, इसका मास मैंने M1 मान लिया, ठीक है, इसका मास मैंने M1 मान लिया, इस वाले का मास M1 मान लिया, तो न्यूटन का लॉ मैंने सिस्टम के लिए आपको बताया ही था, सिग्मा एफ एक्सटर्नल, अब मैं वेक्टर में लिख रहा हूं जानबूझ के, तो पहला जो पार्टिकल था उसका मास मैंने M1 मान लिया था, एक्सेलेरेशन उसका A1 था, दूसरे का मास M2, एक्सेलेरेशन A2, तीसरे का, ऐसे करके टोटल फोर्स आ गया। अब हम क्या करें, इसको मास टोटल मास से डिवाइड कर दें और साथ साथ टोटल मास से मल्टीप्लाई भी कर दें, तो
तो ये जो आया ना, ये वाला जो टर्म आया, इसी को ACM बोलते हैं। ACM जो होगा वो M1A1+M2A2+M3A3 डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब देखें ये M1+M2+M3 क्या हो गया, टोटल मास हो गया, और ये ACM हो गया। तो सिग्मा एफ एक्सटर्नल ये बराबर जाएगा M ACM, जो भी एक्सटर्नल फोर्स है वो बराबर होगा मास इंटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो ये बॉडी के भीतर या बाहर का एक ऐसा पॉइंट है कि इसका जो एक्सेलेरेशन है उससे दिया जाता है। ACM जो है वो सिग्मा एफ एक्सटर्नल अपॉन एम, इस इक्वेशन से दिया जाता है। और अगर हम ACM लिखना चाहें तो हम ACM को ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन जो है अगर हम लिखना चाहें, ACM इज इक्वल टू M1A1+M2A2 upon M1+M2 and so on। ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन इस तरह से दिया जाता है। एक सवाल पूछते हैं लोग कि भाई सेंटर ऑफ मास जो है उसका यूनिट क्या है, बताओ आप सेंटर ऑफ मास का यूनिट क्या होगा। तो ये कंफ्यूज करने के लिए सवाल दिया गया है, भाई सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है, ठीक है। अब किसी पॉइंट का हवा स्पेस में कोई एक पॉइंट, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है ना, एक जगह का नाम है, तो हम स्पेस में कोई एक जगह ले ले तो उसका कोई यूनिट थोड़ी आएगा यार। तो सेंटर ऑफ मास फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है, तो हम कहेंगे भी दिल्ली का यूनिट बताओ, हाँ, या जमुरी तलैया का यूनिट बताओ, ठीक है, या महावीर नगर का यूनिट बताओ। तो ये जगहों का कोई यूनिट थोड़ी होता है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये कंसेप्ट है या एक जगह का नाम है कि बॉडी के भीतर या बाहर का एक ऐसा पॉइंट जिसका एक्सेलेरेशन सिग्मा एफ बाई एम से दिया जाए। इस तरह का जो पॉइंट होता है उसे हम लोग सेंटर ऑफ मास के नाम से जानते हैं। अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन किस तरह से हम सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का जो कैलकुलेशन है उसके अंदर सेंटर ऑफ मास का, जैसे एक पॉइंट है तो मुझे उसका एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, वाई कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, जेड कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, तो वो निकालना मैं आपको सिखा रहा हूं। जैसे सपोज करिए कि बहुत सारे पार्टिकल्स का एक सिस्टम है, ये मास M1 है और इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, ये कहीं मास M2 है, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, ये कहीं मास M3 है और इसके कोऑर्डिनेट है x3 y3 z3, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे मासेस हैं, तो इन सारे मासेस का जो सेंटर ऑफ मास है उसको निकालने का जो तरीका है वो ये है कि जो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट होगा XCM, ये बराबर होता है M1 x1+M2 x2 डिवाइडेड बाय M1+M2 एंड सो ऑन। ये XCM होगा, जो YCM होगा ये बराबर हो जाएगा M1 y1+M2 y2 डिवाइडेड बाय M1+ so on। XCM हो जाएगा, YCM हो जाएगा, इसी तरह से ZCM हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा सिग्मा MIXI अपॉन सिग्मा MI। YCM जो है वो इस तरह से आ जाएगा, सिग्मा, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, आई बराबर 1 टू एन कर देंगे, तो M1 y1+M2 y2। इसी तरह से ZCM अगर मैं लिखना चाहूं तो ZCM जो आएगा ये बराबर हो जाएगा M1 z1+M2 डिवाइडेड बाय, और इसी को मैं लिख सकता हूं सिग्मा MIZI अपॉन जाएगा। तो जैसे मुझे अगर सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट कुछ भी निकालना है तो वो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर जैसे सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिया, वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिया, जेड कोऑर्डिनेट निकाल लिया, अब जैसे मैं मान लेता हूं कि इसका पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो ओरिजिन से मिलाता है गिवन पॉइंट को, और उसका डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द ओरिजिन होता है। तो इसका पोजीशन वेक्टर R1 हो गया, मान लेते हैं इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो R2 हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर R3 हो गया। तो अगर मैं पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूं सेंटर ऑफ मास का, तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर आएगा, भाई कुल मिला के हम तीन अलग अलग पार्ट में लिख रहे थे, इकट्ठा भी लिख सकते हैं ये कहने का मतलब है, तो जो इसका पोजीशन वेक्टर आएगा वो इस तरह लिखा जा सकता है M1 वेक्टर R1 प्लस M2 वेक्टर R2
डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इज़ वन, आरसीएम हो जाएगा। अब पोजीशन का डिफरेंशिएशन जो होता है वो वेलोसिटी होती है। अगर हम पोजीशन जो है उसका उसको डिफरेंशिएट कर दे तो पोजीशन का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होगी। तो अगर एक बार मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आरसीएम का डिफरेंशिएशन जो आएगा वो आ जाएगा बीसीएम। M1, M2, M3 ये सब कॉन्स्टेंट ही है तो ये हो जाएगा M1 और R1 जो है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा वेक्टर V1। R1 पहले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन होगा उसका वेलोसिटी। तो M1 वेक्टर V1 प्लस M2 वेक्टर V2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा। अगर हम पोजीशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। अच्छा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्सेलेरेशन होता है। एक बार इसको और हम डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो वीसीएम का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एसीएम। M1 कांस्टेंट ही है, V1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा A1, V2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा A2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। सो ये ACM की वैल्यू आ गई। तो RCM, VCM, ACM इस तरह से हम लोग सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उसका एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं, उसका पोजीशन निकाल सकते हैं, उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, उसका वाई कोऑर्डिनेट, उसका जेड कोऑर्डिनेट। सेंटर, अगर कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, कई सारे पार्टिकल्स का सिस्टम दिया हुआ है, तो उसके सेंटर ऑफ मास से जुड़े हुए बहुत सारे कैलकुलेशन जो है हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें बात आती है कि अगर मैं मान लो ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दूं तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है उसमें बदलाव होगा कि नहीं होगा? अगर मैं ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट चेंज कर दूं तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर जो है वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? थोड़ा सोचो, अगर मैं ओरिजिन बदल दूं तो सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर पे क्या असर पड़ेगा? तो इसका जवाब ये है कि अगर ओरिजिन में बदल दूंगा तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है उसमें बदलाव आ जाएगा। जैसे मैं समझा रहा हूं, मान लीजिए ये ओरिजिन है और ये सेंटर ऑफ मास है, उसका पोजीशन वेक्टर ये होगा। अगर मैं ओरिजिन बदल के यहां ले जाऊं तो उसी सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। अगर ओरिजिन यहां पे होता तो पोजीशन वेक्टर तो हमेशा ओरिजिन से नापते हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स को बदल दूंगा तो जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो बदल जाएगा। तो ये बात मैं नोट डाल के यहां लिख भी दे रहा हूं, काम की बात है। इफ ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज चेंज्ड, the position vector of center of mass will change. Origin of coordinates is changed. The position vector of center of mass will change. अगर हम ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स बदल देंगे तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर बदल जाएगा। पोजीशन नहीं बदलेगी इसकी, जहां है वो तो वहीं रहेगा। भाई देखने वाला कौन है, इस पे थोड़ी डिपेंड करेगा कि उसकी पार्टिकल की पोजीशन क्या है। तो पोजीशन तो नहीं बदलेगी, लेकिन मैंने जहां पर है वहीं पर रहेगा, लेकिन जो उसको नापने वाला वेक्टर है वो बदल जाएगा। तो इफ ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट इज चेंज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विल चेंज, बट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास will not change. जो ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स चेंज, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विल चेंज, बट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। ठीक है, तो अगर ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स बदल देंगे तो पोजीशन तो बदल जाती है, लेकिन उसको नापने वाला जो वेक्टर है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो देखिए, बहुत ही छोटा सा एक बिल्कुल माइक्रो सवाल लेके आया हूं मैं आपके सामने। ये मास M1 है, ये मास M2 है, आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास की A से कितनी दूरी होगी। ठीक है, क्वेश्चन में लिख रहा हूं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ CUM फ्रॉम A, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ CUM सेंटर ऑफ मास की A से दूरी बताओ। दो मास का सिस्टम है, भी हम लोग 2000 मास के सिस्टम की बात करेंगे, लेकिन शुरुआत तो दो से करेंगे। तो A पॉइंट जो है उससे सेंटर ऑफ मास की दूरी अगर हमें बतानी है तो मैं क्या करूंगा, जिससे दूरी बतानी उसको मैं ओरिजिन मान लेता हूं, ये लाइन x एक्सिस मान लेता हूं और इसको मैं y एक्सिस मान लेता हूं। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब अगर A पॉइंट से दूरी माननी है तो A को तो मैंने ओरिजिन मान रखा है, तो अब मैं मान लेता हूं जैसे सेंटर ऑफ मास यहां पर है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास इस जगह पर है और इस दूरी को मैं मान लेता हूं L1। ठीक है,
ओरिजिन से या ए से सेंटर ऑफ मास की दूरी L1 है, तो अब देखो जो सेंटर ऑफ मास आएगा यानी जो L1 आएगा वो कहां पर आएगा, M1 माने M1 X1 पहले इसका x कोऑर्डिनेट 0 है प्लस M2 यहां से यहां तक की दूरी L के बराबर थी, तो M2 into L upon M1 plus M2 तो ये बराबर हो जाएगा M2L upon M1 plus M2। तो जैसे अब ध्यान से समझिएगा, बात पकड़ने की कोशिश कीजिएगा कि जो पहला मास है उससे दूरी जो आई है वो आई है सेकेंड मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय टोटल मास। कोई आपसे कहता नहीं इससे बताओ दूरी, तो अगर इससे दूरी पूछता तब क्या आता, अगर मान लो मैं कहता सेंटर ऑफ मास की इससे दूरी बताओ तो क्या आता, आप सोचो क्या आता, M1 की जगह M2 हो जाता, तो हो जाता M1L अपॉन M1 प्लस M2। यानी कि जिस मास से दूरी पूछी गई है वो वाला मास नहीं, दूसरा वाला मास अगर इससे दूरी पूछी गई तो ये वाला मास लेना है, अगर इससे पूछी गई तो ये वाला लेना है। तो जैसे हमने इससे दूरी पूछी थी तो सेकंड मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो जब भी कभी टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो दिमाग में बैठा ले, जल्दी हो जाएगा, 10-15-20 सेकंड बच जाएगा, बस इसलिए बता रहा हूं मैं, निकालने को तो निकाल ही लेंगे आप, लेकिन दिमाग में बैठा ले कि दो मासेस का सिस्टम है तो जिससे सेंटर ऑफ मास की दूरी निकालनी वो वाला मास नहीं लेना है, दूसरा वाला इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, सेकंड मास into distance upon total mass। जिस मास से ही आपको दूरी निकालनी है वो वाला मास नहीं लेना है, दूसरा वाला मास लेना है, इंटू उनके बीच की जो भी डिस्टेंस है दोनों मासेस की अपॉन टोटल मास। ठीक है, तो अगर आपको सेंटर मास की लोकेशन निकालनी है दो पार्टिकल सिस्टम के लिए, लेकिन दो पार्टिकल सिस्टम तो मिलेंगे नहीं आपको, हमेशा मल्टी पार्टिकल सिस्टम मिलेंगे। तो जैसे एक और सवाल, एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, ये एल है, ये एल है, ये एल है और ये एल है। ठीक है, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एल के बराबर हो गया। अब उसके बाद इसमें बताया कि यहां पर हमने रख दिया है 2m मास, यहां पर भी 2m रख दिया है, यहां भी m यहां m रखा है, यहां मैंने इन दोनों पे mm रखा है, यहां पे 2m रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स बताओ, कोऑर्डिनेट्स का मतलब उसका x कोऑर्डिनेट बताओ, उसका y कोऑर्डिनेट बताओ। तो 2 मिनट का पॉज लीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर आर एस सर का सोल्यूशन देखिए। तो अब इसके अंदर सेंटर ऑफ मास का अगर कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमारी जो बेसिक डेफिनेशन थी ना कि m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 plus m4 x4 upon m1 plus m2 plus m3 plus m4 वही डेफिनेशन लगाएंगे हम। तो पहले सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट में लिखने जा रहा हूं। ठीक है, पहला मैं यहां से चालू करूंगा, ऐसे घूमते हुए यहां तक जाऊंगा। तो पहला मास है 2m, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है बताओ, 0। दूसरा मास भी 2m है, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है बोलो, L। तीसरा मास m है, इसका x कोऑर्डिनेट तो L ही आएगा ना, x डायरेक्शन में तो L ही चलना पड़ा ना, बाकी तो y चल रहे हैं, इसका x कोऑर्डिनेट L आएगा। चौथा मास है m, बताओ इसका इसका x कोऑर्डिनेट कितना आएगा बताइए, इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय टोटल मास, सब जोड़ दो, m2m plus 2m plus m2 6m। तो x कोऑर्डिनेट आ गया सेंटर ऑफ मास का, सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ गया L by 2। बहुत बढ़िया, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आ गया L by 2। अब y कोऑर्डिनेट की तलाश तेज की जाए, YCM सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट अगर हमें लिखना है तो वही फार्मूला m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 उससे चलेंगे। तो ये हो गया पहला मास 2m, इसका y कोऑर्डिनेट 0। ये दूसरा मास जो है इसका भी y कोऑर्डिनेट 0 ही आएगा, देख लें आप x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तीसरा मास इसका y कोऑर्डिनेट आएगा L। चौथा मास इसका y कोऑर्डिनेट L डिवाइडेड बाय टोटल मास 6m। YCM इसके बराबर हो जाएगा और अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर हो गया, L by 3। तो जो YCM आएगा वह L by 3 के बराबर भी आ जाएगा। जो x कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का वो ये हो जाएगा L by 2 और जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो L by 3 के बराबर आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट L by 3 के बराबर होगा और x कोऑर्डिनेट इसके बराबर हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, कॉमन सेंस वाला मेथड हो गया।
मतलब जो बेसिक मेथड है वो हो गया। अब दूसरा मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ जिसके अंदर हम लोग सेंटर ऑफ मास के अंदर उसको थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। जैसे देखिए भाई इस बात को कि जैसे 2m मास और 2m मास दोनों बराबर मास हैं, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए 2m के बजाय हम इस जगह में यहां पर एक 4m मान सकते हैं। ये 2m और ये 2m उड़ गए, बचा क्या 4m बचा। इस m और इस m की जगह हम यहां पे 2m मान सकते हैं। तो अब क्या हुआ, चार मासेस के बजाय हमने दो मासेस में अपने आप को रिड्यूस कर लिया। ये चार मासेस थे तो 2m 2m का यहां 4m हो गया, m और m का यहां 2m हो गया। तो कुल मिला के ये 4m है, ये 2m है, ठीक है। ये 4m के बराबर है, ये 2m के बराबर है, और हमें अब दो मास बचे। तो दो मास का अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है तो अभी तरकीब सिखाई थी, सेकंड मास इनटू डिस्टेंस अपॉन टोटल मास। तो जैसे मुझे यहां से चाहिए सेकंड मास, यहां से डिस्टेंस चाहिए, तो यहां से अगर डिस्टेंस चाहिए तो सेकंड मास, ये वाला मास नहीं दूसरा वाला, तो 2m इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो ये कितना हो गया l बाय 3। तो अब देखिए सेंटर मास इसी लाइन पर लाई करेगा, यानी उसका x कोऑर्डिनेट तो l बाय 2 ही आ गया ना, ये वाली जो लाइन है ये तो l बाय 2 ही है। तो सेंटर मास का x कोऑर्डिनेट l बाय 2 आ गया, और यहां से दूरी, यहां से दूरी यानी y कोऑर्डिनेट जो आ रहा है l बाय 2 आ रहा है, सेंटर मास का कोऑर्डिनेट आ जाएगा l बाय 2 कॉमा l बाय 3। ये सेंटर मास का कोऑर्डिनेट इस तरह से लिखा जा सकता है। एक और सवाल देखिए, सपोज करिए कि ये एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका हर साइड L है, और ये इन्होंने बताया X एक्सिस है और इसको Y एक्सिस बता डाला, और ओरिजिन पर जो मास रखा है वह 1 केजी का है, जो इस जगह पे मास रखा है इस किनारे पे ये 2 केजी का है, और जो इस तरफ रखा हुआ है ये 3 केजी का है, और ये सारी डिस्टेंसेज L के बराबर, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर साइड L के बराबर है। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताएं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालना है तो डेढ़ मिनट का समय लेके पॉज करके सवाल को सॉल्व करेंगे, फिर आर एस सर का सोल्यूशन देखेंगे। तो अगर हमें सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे भाई, एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे फिर वाई निकालेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट निकालने में देखिए क्या करना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा एम वन एक्स वन प्लस इस तरह से चलता है, तो पहला मास इनटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा 0, दूसरा मास 2 केजी का है इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा बताओ एल, तीसरा मास 3 केजी का है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा जरा ध्यान से देखिएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो यही इतना होगा इसका, तो ये एल बाई 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई टोटल मास, टोटल मास 6 केजी है, सॉल्व करेंगे तो ये 7 एल बाई 12 आ गया। चलिए भाई एक्स कोऑर्डिनेट आ गया सफलतापूर्वक। वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं, वाई सीएम होगा, सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो पहला मास इंटू इसका वाई कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो भी 0 ही होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट थोड़ा ध्यान से निकालना पड़ेगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट ये वाली डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस, और अगर ये L है ये एंगल 60 डिग्री होगा और ये L है तो ये L साइन 60 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू एल साइन 60 बाई 6, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, साइन 60 होता है √3/4, तो ये हो जाएगा √3L/4, ये इसके x और y कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग x और y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, चाहे तो x और y कोऑर्डिनेट इस तरह से निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर ये नोट कर लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब इसके अंदर क्या आता है कि एक सवाल बनता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है कि ये जो 1 केजी मास है, ये वाला जो मास है, अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाते चले जाऊं, इसको 1 को 2 कर दूं, 2 को 3 कर दूं, 3 को 4 कर दूं, तो सेंटर ऑफ मास पर क्या असर पड़ेगा। तो देखने में लगता है कि भाई ये 1 केजी वाला जो मास था उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसका मास बढ़ाओगे तो नीचे वाला टर्म भी तो बढ़ेगा, नीचे वाला टर्म बढ़ेगा मतलब एक्सीएम की वैल्यू घटती जाएगी, उसी तरह से वाईसीएम की वैल्यू भी घटती जाएगी। यानी कि अगर आप इस जगह का मास, इस वाला ये वाला मास बढ़ाते चले जाओगे तो सेंटर ऑफ मास इसकी तरफ बढ़ता चला जाएगा, सेंटर ऑफ मास जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा।
अगर मैं ये वाला मास बढ़ाता चला जाऊं, ये वाला मास बढ़ाता चला जाऊं, तो सेंटर मास इस तरफ शिफ्ट होता होने लगेगा। अगर ये वाला बढ़ाना जाऊं तो सेंटर मास इधर शिफ्ट होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि सेंटर मास जो होता है वो हमेशा भारी जो मासेस होते हैं, जो हैवियर मासेस होते हैं, उन्हीं की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट टूवर्ड्स द हैवियर मासेस, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट टूवर्ड्स the heavier masses, center of mass shifts towards the heavier masses, जो भारी masses हैं center of mass उसी की तरफ shift हो जाता है। जिधर mass ज्यादा होगा center of mass उसी direction में shift हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक इसके अंदर आता है सवाल, छोटा समझ देना। सपोज करिए कि एक disk है या सर्कुलर प्लेट है और एक दूसरी स्क्वायर प्लेट है। डिस्क का डायमीटर अगर 2R है और ये जो स्क्वायर प्लेट है इसका एक साइड 2R के बराबर है। ठीक है, ये इसका डायमीटर 2R है, इसका ये 2R है और इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन बोल दिया, मतलब ये जो एक्सिस है ये वाई एक्सिस हो जाएगी और ये एक्स एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, ये जो है ये 2R है, ये भी 2R है और ये ओरिजिन हो गया। तो अब अच्छा, दोनों जो डिस्क और जो स्क्वायर प्लेट है दोनों एक ही, मतलब दोनों एक ही शीट से बने हैं। मान लो लोहे की कोई एक शीट थी तो उसमें से काट के ये डिस्क बनाई गई है और ये स्क्वायर प्लेट बनाई गई है। ठीक है, आपको यह बताना है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि सेंटर ऑफ मास जो ओरिजिन है उसके लेफ्ट में राइट करेगा, राइट में होगा उसके, उसके ऊपर होगा, उसके नीचे होगा। सेंटर ऑफ मास जो है ओरिजिन के लेफ्ट में होगा, ओरिजिन के राइट में होगा, ओरिजिन के ऊपर होगा। सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, किस जगह पर होगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अब कुल मिला के कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन फिर से बता रहा हूं कि ये एक डिस्क है, सॉरी ये डिस्क है, ये स्क्वायर प्लेट है, दोनों के डायमेंशन सेम है, इसका इसका डायमीटर 2R है और इसकी एक साइड 2R के बराबर है। इस तरह से सिमेट्रिकली रखे गए हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर आएगा, मतलब ओरिजिन के राइट में आएगा कि ओरिजिन के लेफ्ट में आएगा कि ओरिजिन के ऊपर आएगा कि ओरिजिन के नीचे आएगा कि कहां आएगा, इसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बतानी है। तो थोड़ा ध्यान से देखें। अच्छा ये बताएं, मास किसका ज्यादा होगा, इस स्क्वायर प्लेट का ज्यादा होगा या डिस्क का। हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं लेकिन कॉमन सेंस की बात अगर करें तो हम इस डिस्क को चाहें थोड़ा सा मास के कंपेयर, इस डिस्क को अगर उठा के इसके ऊपर रख दें तो किनारे किनारे थोड़ी जगह बची रह जाएगी। डिस्क को पूरा अगर इस स्क्वायर प्लेट के ऊपर रख दें तो यहां यहां हर किनारे पे थोड़ी जगह बची रह जाएगी, यानी स्क्वायर प्लेट का मास ज्यादा होगा। स्क्वायर प्लेट का मास ज्यादा होगा, डिस्क का मास कम होगा। भाई इस डिस्क को स्क्वायर प्लेट के ऊपर रखोगे तो थोड़ी थोड़ी किनारे किनारे जगह बची रह जाएगी, यानी स्क्वायर प्लेट बड़ी है, स्क्वायर प्लेट बड़ी है तो इसका मास ज्यादा होगा। और हम जानते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हैवियर मासेस की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो अब जैसे ये जो डिस्क है इसका मास, सॉरी स्क्वायर प्लेट का मास ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास इसी की तरफ शिफ्ट करेगा, तो सेंटर मास कुछ इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो यानी सेंटर ऑफ मास जो होगा, ठीक है, वो इस स्क्वायर प्लेट के अंदर होगा, यानी उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा जीरो से बड़ा होगा। सेंटर ऑफ मास जो होगा वो ओ पॉइंट ओरिजिन के राइट में लाई करेगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, COM विल लाई राइट साइड ऑफ द ओरिजिन। सेंटर ऑफ मास जो होगा ओरिजिन के राइट साइड में लाई करेगा।